हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन राठौड़ और स्वागत है भाई आपका आज के इस वीडियो में। तो भाई आज अपने पास है टीवीएस स्पोर्ट और आज के वीडियो में अपन करने वाले हैं इसका भाई माइलेज टेस्ट। इस बाइक का भाई पहले मैंने एक रिव्यू का वीडियो बनाया है और राइड रिव्यू का वीडियो पहले बना चुके हैं इसका, तो दोनों वीडियो पर आई बटन में लिंक आ रहा है, इधर जाके चेकआउट कर सकते हो। और आज के वीडियो में इसका माइलेज टेस्ट करेंगे भाई, देखते हैं कितने का माइलेज देती है ये और इसके बारे में कहा जाता है कि भाई माइलेज का बाप है ये, तो देखते हैं भाई माइलेज का बाप आज कितना माइलेज देता है अपने को। और जो स्पीड रहेगी अपनी वो 40-50 रहेगी, इतनी स्पीड में अपन चलाएंगे और देखते हैं माइलेज क्या निकलता है। अभी इसके अंदर जो पेट्रोल हो पहले वो ख़त्म करेंगे और उसके बाद अपन ने यहाँ पे इसके अंदर 100 ml पेट्रोल लिया है। एक बार आपको दिखा देता हूँ भाई, ये देख सकते हो 100 ml पेट्रोल है भाई ये, फिर डालेंगे इसके अंदर, पहले इसका पेट्रोल ख़त्म करेंगे फिर 100 ml डाल के चेक करेंगे कितना क्या माइलेज देती है। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं माइलेज टेस्ट। तो भाई अभी इसका पेट्रोल ख़त्म हो चुका है, थोड़ा सा पेट्रोल था भाई इसके अंदर, 1.5 किलोमीटर चली है उसके बाद पेट्रोल ख़त्म हो गया। और अभी एक बार अपन स्टार्ट करके दिखाते हैं आपको, ये देख सकते हो सेलेब तो है नहीं भाई इसके अंदर, तो किक से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, तो देख सकते हो भाई स्टार्ट नहीं हो रहा। तो भाई अब जो इसके अंदर अपना पेट्रोल है वो डाल देते हैं, 100 ml ये लेके आए हैं तो इसके अंदर डाल दे भाई। एक बार मैं ओपन कर देता हूँ और उसके बाद मैं जाऊँगा माइलेज टेस्ट के लिए, भाई को यहीं पर छोड़ के जा रहा हूँ, जैसे पेट्रोल ख़त्म होएगा फ़ोन कर दूंगा इसको तो ये आ जाएगा और उसके बाद वापस आ जाएंगे। डाल दे भाई पूरा 100 ml। तो देखते हैं भाई 100 ml में कितना चलेगी। तो भाई स्टार्ट कर लेते हैं बाइक को एक बार। अरे यार स्टार्ट हो गए भाई। और भाई आज मैं हेलमेट वाला गोप्रो लाना भूल गया, मतलब हेलमेट लाना भूल गया, तो ये मेरा नॉर्मल जो गोप्रो है हीरो 9 उससे मैं शूट कर रहा हूँ। तो बाइक चलते टाइम भाई थोड़ा सा अच्छे से शूट नहीं हो पाएगा, तो इसको बंद कर देते हैं और एक बाइक को चलाते हैं। किलोमीटर आपको मैं दिखाता हूँ एक बार, देख लीजिए आप यहाँ पे 3.4 मान सकते हैं अपन। तो चलाते हैं इसको, देखते हैं कितना क्या माइलेज देती है बाइक। और इसके अंदर भाई रोड पर भी इसको मैं चलाऊँगा, ऑफ रोड पर भी चलाऊँगा और थोड़ी बहुत क्लिप रिकॉर्ड करने की कोशिश करूँगा मैं, ताकि आपको थोड़ा सा पता चल जाए भाई कैसे रोड पर बाइक चली है। तो चलिए इस बाइक शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो भाई अभी सिंपल रोड पर अपन चल रहे हैं, बिल्कुल मक्खन रोड है देख सकते हो आप, यहाँ पे काफ़ी शानदार रोड है। और यहाँ पे जो स्पीड अपनी वो 30 है, अभी 40 की स्पीड में चल रहा हूँ और भाई ज़्यादा स्पीड में तो इसमें आवाज़ आएगी नहीं। तो फिलहाल अपन चल रहे हैं भाई मक्खन रोड के ऊपर, शानदार रोड है बिल्कुल, बाइक काफ़ी अच्छी है, काफ़ी स्मूथ चल रही है, अभी चल रहे हैं 40 के ऊपर भाई, 40 की स्पीड में चल रही है बाइक। और भाई हीरो 9 की वीडियो क्वालिटी कैसी लगती है भाई कमेंट करके बताना, अच्छी क्वालिटी आ रही है फिर नहीं कमेंट जरूर करना भाई। तो भाई अभी अपन चल रहे हैं बिल्कुल व्यस्त रोड पे, आप देख सकते हो सामने भाई बाइक्स वगैरह हैं और जयपुर में थोड़ी सी बारिश हुई है तो भाई सड़कें भी अपनी गीली हैं देख सकते हो आप। और अभी स्पीड है भाई अपनी 30 की, 35-40 की स्पीड में चल रहे हैं अपन, देख सकते हो एक बार आप। तो चलाते हैं भाई बाइक को, देखते हैं कितना क्या माइलेज दे पाती है बाइक। तो भाई अभी अपन बिल्कुल उबड़ खाबड़ रोड पे आ गए हैं, ये देख सकते हो थोड़ी ख़राब रोड कह सकते हैं अपन इसको। तो अभी इस रोड पे थोड़ा चलाते हैं इसको, इस रोड के ऊपर भाई यहाँ पे खड्डे वगैरह हैं तो थोड़ा कम स्पीड में चलेगी गाड़ी, 20-30 पे ये देख सकते हो आप। अब यहाँ से फिर से रोड आ गई है और बारिश की वजह से भाई हर जगह पानी पानी हो रखा है, पूरी बाइक गंदी हो गई है यार। तो भाई अभी बाइक थोड़े थोड़े झटके देने लग गई है और अभी चली हुई भाई 10.7 किलोमीटर, तो अप्रोक्स 7 किलोमीटर और 200 मीटर चल चुकी है, देखते भाई कितना और चलती है। भाई झटके देना स्टार्ट कर दिया इसने, मेरे हिसाब से 100-200 मीटर और चलेगी अभी भी, ट्राई करते भाई जहाँ पर बिल्कुल रुक जाएगी वहाँ पर अपन रोक देंगे इसको, एंड तक देखते हैं भाई कितना चलती है, एक एक बूंद तक चलाएंगे भाई क्योंकि अपन ने जो स्टार्ट किया था एक एक बूंद से किया था। झटके दे रही है अभी तक चल रही है भाई, 10.9 चल गई है अभी तक, अब शायद 150 मीटर और चलेगी मेरे हिसाब से, तो भाई देखते हैं कितना चलती है। तो भाई अभी बाइक में पूरा पेट्रोल ख़त्म हो गया है और बाइक रुक चुकी है और ये चलिए भाई 11.0 अप्रोक्स 11 मान लो, थोड़ी सी आगे ले लेते हैं एक बार तो 11 हो जाएगा भाई, तो अप्रोक्स भाई 11 किलोमीटर चली है और इसको कैलकुलेट करें तो शुरुआत में था शायद 3.4
और अभी है 11, तो शायद 7 या 8 किलोमीटर चली है भाई। एक्चुअल जो भी है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा भाई कितना माइलेज दिया है। मेरे हिसाब से शायद इसने यार 80 के समथिंग माइलेज दिया है। 11 में से 3 घटाएंगे कितने बचे भाई, 8, और उसमें 4 घटाएंगे 76। तो भाई इस टेस्ट के अंदर इसने 76 का माइलेज दिया है और भाई मेरे हिसाब से तो काफ़ी सही माइलेज है भाई इस बाइक के हिसाब से, ट्यूब स्पोर्ट के हिसाब से काफ़ी सही माइलेज है। और भाई आप ही कमेंट करके बताओ कि 76 का माइलेज तो अभी दे रही है और फर्स्ट सर्विस के बाद तो भाई 10% और इंक्रीज हो ही जाएगा इस बाइक का माइलेज, तो मेरे हिसाब से 80 प्लस आसानी से दे देगी। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल माइलेज का बाप है भाई ये बाइक। और आपको क्या लगता है, माइलेज का बाप है या फिर नहीं, कमेंट करके बताना। और भाई अभी बस अंधेरा होने वाला है, आप देख सकते हो सारी बाइकों की लाइटें ऑन हो गई है, तो लगे हाथ इसका भी भाई नाइट विजन टेस्ट कर लेंगे, देखते हैं इसके हेड लाइट में कितना दम है। तो नाइट विजन का वीडियो आगे आपको देखने को मिल जाएगा। तो भाई ये था इस बाइक का माइलेज टेस्ट, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना भाई, और चैनल पे फर्स्ट टाइम तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि आगे भी आपको वीडियो देखने को मिलता रहे। और भाई मुझे कमेंट करके बताना कि माइलेज का सही है या फिर नहीं, मेरे साथ तो सही है भाई, बाकी आपको क्या लगता है। वाह यार क्या गाना था। तो भाई आपको क्या लगता है कमेंट करके बताना। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।